हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. वेलकम टू आवर जीके क्लास. आज हम जीके क्लास में लेंगे, रिवीजन क्लास चल रही है ना अभी हमारी, तो आज हम रिवीजन लेंगे चैप्टर नंबर 18, आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, कितने हैं, यू नो अबाउट दिस? हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं. कितने हैं? फाइव. कौन कौन से हैं? नोज, आईज, ear, tongue, skin. ठीक है, तो अब इसके हमारे सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं और क्या क्या हम उससे काम होता है हमारा, वो सबसे पहले है आई सी विद माई. हम अपने देखते किससे हैं, ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है आईज. तो आई सी विद माई आईज, E-Y-E-I. हम किसने देखते हैं अपने आई से. नेक्स्ट है आई फील विद माय, हमें फील होता है, किससे फील होता है, इसकी जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है, तो स्किन, स्किन, S-K-I-N, स्किन. आई फील विद माय स्किन. नेक्स्ट है आई स्मेल विद माय, हमें स्मेल किससे आती है, हमें खुशबू, किसी चीज कहते हैं ना अच्छी खुशबू बुरी, तो जो भी स्मेल से हम किससे लेते हैं, नोज से. नो आई टेस्ट विद माय, हमें टेस्ट किससे पता चलता है, नोज से, आई से, ईयर से, किससे पता चलता है, या टंग से, मुंह, टंग, जी. ठीक है, तो जब हम कोई चीज मुंह में रखते हैं, टंग पर रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो स्वीट है, सॉल्टी है, सॉरी है, या जैसे वो जो भी है फीका है, तो उससे हमें किससे पता चलता है, हमें अपनी टंग से. नेक्स्ट है आई हियर, आई हियर विद माई, अब आप म्यूजिक सुनते हैं या मेरी आवाज भी आप सुन रहे हैं, तो किससे सुन रहे हैं, आपने ईयरफोन, हेडफोन कहाँ लगाया हुआ है, ईयर्स में, तो आवाज कहाँ से आती है, हम कैसे पता चलता है हमें कि आवाज नॉइस लाउडली है, स्लो है, या कोई बोल रहा है, तो हम किससे सुनते हैं, ईयर, ईयर्स. ठीक है, तो आई सी विद माई आईज, आई फील विद माई स्किन, आई स्मेल विद माई नोज, आई टेस्ट विद माई टंग, आई हियर विद माई ईयर्स. तो ये हमारे फाइव ऑर्गन्स है, कौन कौन से, आईज, स्किन, नोज, टंग और ईयर. ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है Health is wealth. Chapter number 19. Health is wealth. Yani, health is wealth. आपका जो स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा खजाना है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा हेल्थ ही होना. अगर हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसके सबसे अच्छा है Health is wealth. अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा. तो उसके लिए कुछ हेल्दी टिप्स हैं जो आपको गुड हैबिट्स होती हैं, जो हमें अपने डेली रूटीन में यूज करनी चाहिए. जैसे वी मस्ट वॉश अवर हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील. हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए. आप लोग करते हैं अपने हैंड वॉश आजकल, तो ज्यादा जरूरी है, थोड़ी थोड़े 1 आवर में या आधे घंटे में अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए. नेक्स्ट है वी शुड टेक बाथ एवरी मॉर्निंग, हमें रोज सुबह बाथ यानी नहाना चाहिए, टेकिंग बाथ, तो रोज सुबह उठकर नहाना चाहिए. वी मस्ट स्लीप वेल एट नाइट, और रात को हमें अच्छे से सोना चाहिए. एक तो जल्दी सोएंगे तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, ठीक है ना, फिर एकदम हेल्दी और फिट रहेंगे.
नेक्स्ट है वी शुड कट आवर नेल्स विद नेल कटर, और आपके नेल्स कट होने चाहिए। लंबे लंबे नेल्स होते हैं तो उसमें आप जंग्स होते आ सकते हैं। जब हम कोई भी चीज खाते हैं ईट करते हैं तो वो जंग्स उसके नेल के थ्रू हमारे मुंह में जाते हैं, मुंह से स्टमक में चले जाते हैं, तो जिससे हमें अंदर बैक्टीरिया होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अपने नेल्स हमें टाइम टाइम पर कट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड कॉम अवर हेयर डेली, जब हम रोज सुबह उठते हैं, जब हम टेकिंग बात करेंगे, नहाएंगे तो अच्छे से बालों में तेल लगाकर ऑयलिंग करके और हमें कॉम करना चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ डेली, ये मॉर्निंग का सबसे पहला काम है। आप जैसे ही सबसे पहले आप छोड़ेंगे अपना बेड, सबसे पहले आप ब्रश कीजिए, फिर टेकिंग बात। ओके, तो ये हमारी गुड हैबिट्स कौन कौन सी है, वॉश अवर हैंड, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, वी मस्ट स्लीप वेल एट नाइट, कट अवर नेल्स, वी शुड कॉम अवर हेयर एंड ब्रश योर टीथ। तो ये क्या थे हमारे गुड हैबिट्स। ओके बेटा, समझ आया आप लोगों को। चलिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 19 और 18। अब हम लेंगे हमारा चैप्टर नंबर 20, स्पोर्ट्स पर्सनलिटीज। तो स्पोर्ट्स पर्सन, आप स्पोर्ट्स देखते हैं क्या, कौन कौन से होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, तो जो उसको प्लेयर्स खेलते हैं उनको स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सनलिटी। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन कौन है और इनके नेम क्या है और किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले है एम एस धोनी, ये क्या खेलते हैं, एम एस धोनी क्या खेलते हैं, क्रिकेट। किससे रिलेटेड है ये, क्रिकेट। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद, तो ये क्या खेलते हैं, चेस, ये चेस प्लेयर है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, ये क्या खेलती है, लॉन्ग टेनिस। नेक्स्ट है एमसी मैरी कॉम क्या खेलती है, क्या, बॉक्सिंग, गुड, बॉक्सिंग। साइना नेहवाल, ये क्या खेलती है, बैडमिंटन। और नेक्स्ट है सुशील कुमार, ये क्या करते हैं, रेस्लिंग। तो अब समझ आया आपको, ये है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, जो उनसे कौन सा गेम खेलते हैं वो बताना, किससे रिलेटेड करते हैं, जैसे एम एस धोनी क्रिकेट, विश्वनाथ आनंद चेस, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन एंड सुशील कुमार रेसलिंग। ठीक है, अब हमारा है चैप्टर नंबर 21, आउटडोर गेम्स। यू नो गेम्स, आउटडोर गेम्स किसको कहते हैं, एक इंडोर गेम होता है, एक आउटडोर गेम होता है। आउटडोर गेम का मतलब होता है जो हमारी फील्ड में जाके खेला जाता है, बाहर जाके, और इंडोर गेम जो घर के अंदर भी आप खेल सकते हैं, जैसे कार्ड्स है, कैरम है, लूडो है, चेस है, ये सब क्या है, इंडोर गेम्स है। और जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन, ये सब क्या है, आउटडोर गेम्स है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको इन्हें रिकॉग्नाइज करके बताना है कि ये कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट बास्केटबॉल, क्रिकेट, लॉन्ग टेनिस। देखो लॉन्ग टेनिस को हम कैसे पहचानेंगे, लॉन्ग टेनिस बॉल के साथ खेला जाता है, और जो बैडमिंटन होता है दोनों तो रैकेट से खेले जाते हैं इससे, लेकिन जो लॉन्ग टेनिस है उसमें बॉल होती है, और जो बैडमिंटन होता है उसमें कॉक होता है। ठीक है, ये क्या है, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो फिर से बास्केटबॉल, क्रिकेट, लॉन्ग टेनिस, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो ये क्या थे, आउटडोर गेम्स। ठीक है, और इंडोर गेम्स हमारे कौन से होते हैं, जो घर के अंदर, जैसे लूडो, कैरम, चेस एंड कार्ड्स, तो ये सब हम जो अंदर बैठकर खेलते हैं। ओके बेटा, प्लीज लर्न इट।